दोस्तों, इसराइल को मध्य पूर्व एशिया के सबसे विकसित, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड और ताकतवर देशों में से माना जाता है। इसराइल मिडिल ईस्ट का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास तेल ना होने के बावजूद इसे मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर देशों में से गिना जाता है। दोस्तों, हर देश की कुछ अच्छी और कुछ बुरी बातें होती है, लेकिन एक बात काफ़ी हैरान करने वाली है कि आज से लेकर लगभग 70 साल पहले जिस देश का वजूद तक नहीं था, वो देश फलस्तीन के अंदर अपना अलग एक देश बनाकर इतना कम समय के अंदर आखिर इतना धनी कैसे हो पाया। तो आज मैं बताने वाला हूँ इसराइल के बारे में कुछ ऐसी बातें जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें। इसराइल की इस सफलता के पीछे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और तकनीकी व्यवस्था को माना जाता है। इसराइल की लगभग 98% आबादी शिक्षित है और यहाँ की काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से मानी जाती है। इसराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो अपने GDP का एक बड़ा हिस्सा रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्च करना पसंद करता है। यही कारण है कि इसराइल में प्रति 1000 लोगों में से 14 लोग साइंटिस्ट, टेक्नीशियंस या फिर इंजीनियर पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। इसराइल बहुत ही छोटा देश होने के बावजूद यहाँ पे नोबेल प्राइज़ पाने वाले साइंटिस्टों की संख्या 6 अलग अलग भागों में मौजूद है। आबादी के हिसाब से अगर स्किल्ड लेबरों की संख्या की तरफ से देखा जाए तो इसराइल दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। नई कंपनी बनाने के तरफ से इसराइल इस पूरे दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जिसमें इसराइल को अमेरिका का काफ़ी सहायता मिलता है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी अमेरिकी और इंटरनेशनल कंपनी इसराइल में अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट करती है। खेती करने में इसराइल टेक्नोलॉजी का काफ़ी इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि बहुत ही कम समय के अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन इसराइल कर पाता है। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसराइल अपने देश में काफ़ी मात्रा में सब्जियां और गोमांस का उत्पादन करता है। 1970 से लेकर आज तक अमेरिका इसराइल को हर साल हजारों करोड़ रुपया सैनिक विभाग में इसराइल को दान करता है, और तब से लेकर आज तक इसराइल बहुत ही कम सूद में अमेरिका से लोन लेता है, जिससे इसराइल को काफ़ी फायदा होता है। इसराइल अपनी इनकम का एक बड़ा हिस्सा डिफेंस सामानों को बनाकर और उसे दूसरे देशों को बेचकर कमाता है, और इसको बनाने में टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका काफ़ी हद तक इसराइल को सपोर्ट करता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं।